हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन बी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेयर्ड बटर मटरी। ये खाते ही मुंह में घुल जाती है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। शुरू करते हैं लेयर्ड बटर मटरी बनाना। इसके लिए मैंने सबसे पहले डो बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच अजवाइन। मटरी में बहुत अच्छा स्वाद आता है अजवाइन का। आप इसे हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी 2 बड़ा चम्मच, इसे भी आप क्रश करके डाल सकते हैं हाथ से। 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी, नमक 1 छोटी चम्मच, और आप स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ मोयन के लिए 3 बड़े चम्मच बटर। आप घी का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। याद रखें, बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के यूज ना करें। सभी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। आप इस तरह से मिक्सचर को हाथ में लेके बांध के देखिए, इस तरह से बंधना चाहिए। अगर नहीं बंध रहा है तो बटर थोड़ा और डालकर मिक्स कर ले। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा गूंध लेंगे। सख्त आटा गूंदने में मुझे 3/4 कप पानी लगा है। देखिए, ये हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट के लिए, जिससे ये सेट हो जाए। 1/2 घंटे बाद ये सेट हो चुका है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए मसल कर ले लेंगे और स्मूथ डो रेडी कर लेंगे। स्मूथ डो हमारा रेडी हो चुका है। मटरी के डो को हम 6 भाग में कट कर लेंगे। सभी भाग का हम बॉल बनाकर ले लेंगे और इसे एक बाउल में रख लेंगे। अब हम मटरियों के लिए साटा रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर लिया है और मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा चम्मच मैदा, और दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं, एक क्रीम की तरह रेडी हो चुका है। इसका यूज हम मटरी बनाने के टाइम करेंगे। मैंने मटरी के डो का 1 भाग ले लिया है और मैं अब इसे बेल लूंगी। इसे मैं एकदम पतला बेल कर रेडी करूंगी। देखिए, इस तरह पतला बेल कर एक शीट मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह मैं दूसरा शीट भी रेडी कर लूंगी मटरी के लिए। दूसरा शीट भी रेडी है। अब हम शीट पर एक पतली सी लेयर लगा लेंगे साटा की। उंगलियों की हेल्प से मैंने इसे स्प्रेड कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं दूसरा शीट रखूंगी और इसके ऊपर भी मैं साटा का एक लेयर लगा दूंगी। अच्छी तरह से स्प्रेड करके मैंने ले लिया है। अब मैं इसे रोल कर लूंगी। इसे हमें टाइटली रोल करना है, इसमें एयर नहीं होना चाहिए। इसे मैंने टाइटली रोल कर लिया है। अब मैं इसे 1 इंच के साइज में कट कर लूंगी। मैंने इसे कट करके ले लिया है। अब मैं इसमें से 1 लोई लूंगी और इसको हाथों से इस तरह प्रेस करके इसे पतला बेल लूंगी। इसे पतला मैंने बेल लिया है। इसी तरह बाकी के भी लोई को मैं इस तरह बेल कर ले लूंगी। आप इसमें लेयर देख सकते हैं। इसी तरह बाकी की लोइयों को भी मैंने बेल कर ले लिया है। इन्हें तलने के लिए तेल पहले से गर्म करने रख दिया था। इसमें थोड़ा सा डो डालकर चेक करते हैं, बबल्स आ रहे हैं, मींस हल्का गर्म हो चुका है। हमें लो मीडियम फ्लेम पर मटरी को तलना है। अब हम इसमें मटरियां डाल देंगे। जितनी एक बार में आ जाए उतनी डाल देंगे। इसे टच नहीं करना है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आँच पर सिकने देंगे। अब इसे सिकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। मटरियाँ तैर कर ऊपर आ गई हैं। अब इसे पलट देते हैं। इन्हें हम दोनों ओर से अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। देखिए, अच्छा सा हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे कलछी से किनारे रोक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में चला जाए। सारी मटरियाँ इसी तरीके से तल लेनी है। मटरियाँ हमने तल कर तैयार कर ली है। इतने डो से लगभग 30 से 35 मटरियाँ बनकर तैयार हो जाती है और एक बैच को तलने में 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। इसे तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है और टेस्ट तो लाजवाब है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ 1-2 चीजों का ध्यान रखें कि साटा पतला लगाना है और तलते वक्त फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है। बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनकर रेडी होती है ये। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।